अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज एक ऐसी अहम और इन्फॉर्मेशन लेके आए हूं आपके लिए, अहम खबर कह दें इसे आप, इन्फॉर्मेशन कह दें, जो आपको अच्छा लगे अल्फाज वो आप इस खबर को, इससे मेरे ब्लॉग को दे सकते हैं। नाज़रीन, हर एक इंसान जो तरक्की करता है दुनिया में, जो आगे निकलने की कोशिश करता है, जो आगे निकलता है, उनका कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होता है। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं। और अब बात करते हैं हम कि आइडियल या मेंटोर कौन होता है और किसका, अगर ये कुछ होता है तो इमरान खान जैसा लीडर, जो कि अब पूरी दुनिया का मेंटोर बन चुका है, आइडियल बन चुका है, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या इमरान खान का भी कोई मेंटोर था, कोई आइडियल था? तो नाज़रीन, जी हाँ, इमरान खान का भी आइडियल था। और वो आइडियल कोई और नहीं, इमरान खान की खाला का बेटा था, जो कि फार्मर क्रिकेटर भी रह चुका है, पाकिस्तान के लिए अपनी क्रिकेट की खिदमत भी सर अंजाम दे चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो इमरान खान का आइडियल रह चुका है और क्रिकेट भी खेल चुका है, और क्रिकेट भी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, कौन है? तो नाज़रीन, ये तमाम बातें आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, चलते हैं उस शख्स की तरफ जो कि इमरान खान का मेंटोर था। तो इमरान खान का मेंटोर, इमरान खान की खालना का बेटा जुबैर बरकी। अब जुबैर बरकी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जुबैर बरकी असल में कौन था और इमरान खान से इसका हकीकी रिश्ता क्या है। तो जुबैर बरकी एक फार्मर क्रिकेटर था, जो कि जनरल वाजिद अली खान बरकी साहब का साहबजादा, और उसका जुबैर बरकी का रिश्ता इमरान खान से जो था वो खाला के बेटे का था, क्योंकि ये दोनों खाला जात ब्रदर थे। और जुबैर बरकी की पैदाइश 8 मई 1938 में हुई, और अब जो बात मैं मजीद आपके साथ सही जो शेयर करने वाला हूँ, वो बात यह है कि मेंटोर तो थे जुबैर बरकी इमरान खान के, लेकिन ये आवाम को कब पता चला और कैसे पता चला कि ये मेंटोर है इमरान खान के? तो नाज़रीन, अब आता हूँ उस खबर की तरफ। इमरान खान दुबई में एक चैरिटी मैच खेलने के लिए गया, चैरिटी मैच खेला, वहाँ पे खेलने के बाद जो इसे इनाम के तौर पर चेक मिला, इमरान खान लेके पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आते ही इसने एक बोर्ड की कमेटी बना दी, और उसमें कमेटी बनाने के बाद 20 लाहौर के 20 डॉक्टर जो के हाईएस्ट डॉक्टर थे उस वक्त के, उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि मैं इस तरह का एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे राय दें कि मैं क्या करूँ। तो नाज़रीन, उन 20 में से 19 डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं बन सकता, इसमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी आप नहीं ला सकते। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान की बहनों ने भी इस बात को इनकार कर दिया कि आप नहीं बना सकते। और जिनने मेंटोर अपना मानते थे इमरान खान, यानी जुबैर बरकी साहब, तो जुबैर बरकी साहब ने यह आइडिया दिया कि हम हॉस्पिटल की जगह अगर खालना के नाम पर एक डिस्पेंसरी बना दें तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा और बन भी इजी जाएगा। लेकिन इमरान खान यहाँ पे नहीं रुका, इमरान खान यहाँ से गया लंदन, लंदन में डॉक्टरों से बात की, तो वहाँ पर भी एक डॉक्टर ने इमरान खान को इतना डिस्करेज किया कि इमरान, ऑलमोस्ट इमरान खान की जगह अगर कोई और होता तो ये अपना आइडिया छोड़ देता, ना सिर्फ आइडिया छोड़ देता बल्कि इस पर कभी सोचता भी नहीं वर्क करने के बारे में। लेकिन उस बंदे ने
यानी कि इमरान खान ने फिर हिम्मत की, वहां से वापस आया और फिर मेहनत की, और आज आप देख सकते हो कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और अब कराची में बनने जा रहे हैं शौकत खान। तो नाज़रीन, इसमें हमें जो चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि हर एक बड़ा इंसान जो भी तरक्की करता है दुनिया में, वो भी अपना कोई ना कोई आइडिया रखता है, कोई ना कोई मेंटोर रखता है, वो उससे मशवरा करता है कि भाई मैं अब ये करने वाला हूँ, मुझे इसमें मशवरा दो, मुझे गाइड करो कि मैं अब क्या करूँ, गाइडलाइन मांगता है। तो इमरान खान ने जिससे गाइडलाइन मांगी थी वह था जुबैर बरकी। तो इसी तरह नाज़रीन, अगर हम लोग अपना कोई मेंटोर बनाएं, अपना कोई आइडियल बनाएं, तो और ना सिर्फ आइडियल बनाएं बल्कि हमें चाहिए कि हम उस पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ने का वो जुनून अपने अंदर पैदा करें जो कि इमरान खान के अंदर था। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जुबैर बरकी कौन था, जुबैर बरकी और बरकी खानदान और न्याजी खानदान का आपस में रिलेशन क्या है, इस पे मज़ीद बात करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।